गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाय आई एम नितिन सिंह। वेल गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली। आई विश कि आप लोग काफी बढ़िया तरीके से ये त्योहार का एंजॉय करो, बस थोड़ा कोरोना का ख्याल रखो, क्योंकि यार होम क्वारंटाइन का पीरियड देख चुका हूं, एक्सपीरियंस कर चुका हूं, तो बहुत बेकार लगता है। बाकी गाइस, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देनी है रिगार्डिंग NRA CET को लेके, और ये अपडेट मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप नितिन का निरीक्षण यहाँ पे शेयर करूंगा, तो आप यहाँ पे जाके ज्वाइन करके चैनल को देख सकते हो क्या अपडेट आई है। बाकी चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो काफी शॉर्ट होगी, काफी पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा, यदि अच्छी लगे तो जरूर लाइक और शेयर करना। गाइज, एक अपडेट है रिगार्डिंग NRA CET, लाइक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर हमारी मिनिस्ट्री ने एक एजेंसी को फॉर्म करने की बात की थी, जिसमें वो SSC, रेलवे और बैंक एग्जाम को क्लब करके एग्जाम CET कंडक्ट कराती थी। तो गाइज, उसके कुछ अपॉइंटमेंट हुए, जैसे कि डिप्यूटी डायरेक्टर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्यूटी सेक्रेटरी, स्टीनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। ये जो अपॉइंटमेंट हुए, ये हुए हैं उनके हेडक्वार्टर, जैसे दिल्ली का आपको पता है कि NRA का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और कुछ रीजनल ऑफिसर्स में। और गाइज, मोर इम्पॉर्टेंटली, बहुत लोग को लगता है कि भाई ये एग्जाम ये साल से ही कंडक्ट कराएंगे CET, बिल्कुल नहीं। आप लोग जानते हो कि ऑलरेडी IBPS का कैलेंडर आ चुका है। मोर इम्पॉर्टेंटली, ये एग्जाम कंडक्ट कराना कोई हलवा नहीं है कि मतलब बोल दिया और एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि बैंक, SSC, रेलवे तीनों को क्लब किया है, फिर एग्जाम एक होगी, तो कहीं ना कहीं तीनों के जो बच्चे होंगे उनको सोचते हुए ये एग्जाम का पैटर्न फॉर्म होगा। इसके लिए और भी लोगों को कहीं ना कहीं रिक्रूट किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो 2021 के जितने भी एग्जाम्स है IBPS के ऑलरेडी है, अभी SBI क्लर्क का अगले हफ्ते तक नोटिस आउट होगा, उसके बाद SBI PO भी आएगा, उसके बाद जैसे LIC AA की बात चल रही है वो भी आएगा, कहीं ना कहीं ऑलरेडी GIC की एग्जाम है, FCI की एग्जाम है। तो गाइस, मुझे लगता है क्या हो गई वो चीज, इस साल कोई CET नहीं होगा, हाँ, बट नेक्स्ट ईयर 2022 से CET का आपका प्रोसेस आ जाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि ये साल पढ़ाई करो, और बस पढ़ाई करो, क्योंकि अच्छी पढ़ाई अभी करोगे, क्योंकि अभी टाइम है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, मेंस के अंदर अभी हुआ था कि 30-29 तारीख को SBI PO मेंस था, 30 को RRB PO मेंस था, 4 को IBPS PO मेंस था, 20 को RRB क्लर्क का मेंस था, और 28 को IBPS क्लर्क का मेंस था। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं एग्जाम्स भी हमारे शेड्यूल हो गए। तो आई विल सजेस्ट, आप मॉक दो, पढ़ाई करो, GA का रिविजन करो, बस यही करो। और यही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई IBPS भी क्या ये साल CET के थ्रू कंडक्ट होगा क्या, तो इसीलिए ये वीडियो बनाना पड़ा। यदि वीडियो अच्छा लगा कि कोई इन्फॉर्मेशन मिली, तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को ज्वाइन करना, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा ये अपडेट को। बाकी वंस अगेन हैप्पी होली, और गुजिया खाओ, मस्ती करो, एंजॉय करो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम।